हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनम। दोस्तों, क्रीड 3 नाम का एक नया फिल्म देखा मैंने थिएटर में, और लेट मी टेल यू, यू हैव टू वॉच दिस फिल्म टू वॉच एंड एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर जोनाथन ऑफ ब्रिलियंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार। यू विल बी सो वेरी इंप्रेस्ड। इनफैक्ट यार, मुझे फिल्म का लीड तो मिस्टर जोनाथन लगा, माइकल जॉर्डन तो यार सेकंड लीड लगा मुझे यार, क्योंकि जोनाथन का जो रोल था, उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो बैक स्टोरी था, इतना पावरफुल और इतना ऑथर बैक था। At times you will feel for his role, you will feel for his character, और वो जो author backed story को, जो author backed अंदाज में perform करके दिखाया है Mr. Jonathan Wolff, what an actor यार। उनका एक्टिंग का जलवा तो ये फिल्म में आपको मालूम पड़ेगा यार। आप देखो यार, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन, उनका डायलॉग डिलीवरी एंड द वे ही फाइट्स with so much of rage, so much of passion, so much of intimidation at times, so much of villainy. अरे you will be damn impressed. और भाई body क्या बनाया है यार, वो जब उनका body reveal होता है, उफ, क्या chest है, क्या biceps है, क्या triceps है, क्या collar है, क्या shoulder है, क्या abs है यार, what body? हाँ, I mean, मैं तो कहता हूँ Michael Jordan का body तो उनके सामने यार मतलब पानी कम चाय था यार, as simple as that. जोनाथन एब्सोल्युटली रॉक्ड इन दिस फिल्म। और इसमें उनका ट्रेनिंग दिखाया है दोनों का, क्रीड का और जोनाथन का। और जोनाथन का एक ट्रेनिंग, एक पर्टिकुलर चीज वो करता है यार, मैं आपको बताता हूं। उसमें दो रोप ऐसा लटका हुआ है, दो रस्सी, और वो दो रस्सी को अपने बैर हैंड से जोनाथन पकड़ के चढ़ता है ऊपर भाई साहब, और एकदम हाइट पे पहुंचने के बाद भाई साहब पुलअप्स कर रहा है, पुलअप्स विदाउट एनी सपोर्ट, अरे विदाउट एनीथिंग, इज जस्ट पुलिंग हिज बॉडी अप एंड डाउन यूजिंग हिज बैर हैंड्स, using these two ropes. अरे that was unbelievable यार, मैं बोला भाई hats off. और उसके बाद जो fight किया है, वो fighting में वो punches हो, jabs हो, वो particular you know ducks हो, उफ, brilliant Jonathan was absolutely impressed यार. दोस्तों अब अगर फिल्म की मैं बात करूं ना, देखो मुझे फिल्म का स्टोरी ना रूटीन लगा, ठीक ठाक लगा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा स्टोरी आपने कई सारे हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा यार, तो स्टोरी में कुछ ऐसा नयापन मुझे नजर नहीं आया, बहुत ही रूटीन और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लगा। आप आराम से प्रेडिक्ट करोगे कि यू नो एंड में क्या होने वाला है, एंड एग्जैक्टली वही होता है यार, तो ऐसा कुछ नयापन नहीं था। एंड प्लस ऑफकोर्स यू मिस सिल्वेस्टर स्टेलोन, नो डाउट अबाउट इट यार, बट देन इट इज मेड इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ जोनाथन, आई वुड से यार। जोनाथन अगर नहीं रहता, कोई और रहता, तो प्रोबेबली यार फिल्म बहुत ही ढीला हो सकता था यार, बट जोनाथन सुपर्ब, ही हैज एक्चुअली पुल्ड द फिल्म अप नॉचेस हायर, ऐसे मैं कहूंगा। अब दोस्तों इसमें जो बॉक्सिंग मैचेस है यार, बॉक्सिंग मैचेस मुझे लगा, देखो बहुत सारा एडिट्स आ गया यार उसमें यार, जिसके वजह से वो जो एंजॉयमेंट आना चाहिए था, एंजॉयमेंट है, आप एंजॉय करोगे फाइट्स को, लेकिन इतना सारा एडिट्स डाल दिया, फास्ट एडिट्स, फास्ट कट्स, जो मतलब थोड़ा इंपैक्ट को कम किया मेरे हिसाब से। और जो मेन फाइनल फाइट है बिटवीन जोनाथन एंड माइकल जॉर्डन यार, वो ना मुझे लगा, देखो अच्छा है, लेकिन और ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि आपने अब तक तो इतना सारा बॉक्सिंग मैचेस देखा होगा, तो वैसे आपको कुछ मे भी नयापन नजर ना आए, मुझे तो उतना ज्यादा नजर नहीं आया। तो और ऑल्सो जो फाइनल क्लाइमैक्स वाला फाइट था, जो नॉकआउट पंच वगैरह था, मुझे लगा वहां पे थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता था यार, थोड़ा और लंबा मतलब किया जा सकता था, ताकि थोड़ा और ऑडियंस को एंगेज करे। मुझे लगा बहुत जल्दी रफा दफा करके खत्म किया उस फाइट को यार, जब वो खत्म हुआ आई वाज लाइक अरे खत्म हो गया क्या यार वैसा वाला एक फीलिंग भी मुझे जरूर आया। तो आई थॉट बॉक्सिंग मैचेस कुड हैव बीन मे बी कोरियोग्राफ्ड एंड ऑल्सो शॉट बेटर, लॉन्ग सिंगल कंटिन्यूस टेक और ज्यादा हो सकता था, जिसकी वजह से इंपैक्ट और ज्यादा बेहतर हो सकता था फिल्म में। अब फिल्म में जो स्लो मोशन शॉट्स का जो इस्तेमाल किया एक्शन में, स्लो मोशन में जिस तरह से पंचस लैंड हो रहे हैं रिब्स पे वगैरह, और जिस तरह से बॉडी ट्विस्ट ट्विस्ट हो रहा है, वो पर्टिकुलर चीज को जो कैप्चर किया वो काफी इंपैक्टफुल और इफेक्टिव लगा, दैट वॉज वेरी वेरी नाइस टू वॉच। ओवरऑल मुझे लगा कि स्टोरी स्क्रीन प्ले वगैरह डिसेंट था, वन टाइम वॉच मैं जरूर कहूंगा इस फिल्म को, बट हाँ मस्ट वॉच इसलिए मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ जोनाथन्स परफॉर्मेंस। जोनाथन्स, सी इफ यू जस्ट कंपेयर द स्टोरी स्क्रीन प्ले, माइकल जॉर्डन, द एक्शन सीक्वेंस, द बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग एल्स, इट बिकम्स अ वन टाइम वॉच, बट पुट जोनाथन इन इट एंड इट बिकम्स अ मस्ट वॉच। सो आई एम गोइंग विद 3 stars फॉर क्रीड 3। आपको कैसे लगा ये फिल्म लिखकर जरूर बताना, और जोनाथन का परफॉर्मेंस सुपर्ब लगा कि नहीं। माइकल जॉर्डन इज ऑल्सो गुड, बट देन जोनाथन जस्ट ओवर शैडोज एंड ओवर पावर्स हिम इन ईच एंड एवरी सिंगल फ्रेम, एज सिंपल एज दैट। लेट मी नो आपको कैसे लगा ये फिल्म, एंड ऑफकोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।